गुलामी की बेड़ियां कट चुकी थी। भारत एक आजाद मुल्क की हैसियत हासिल कर चुका था। देश चलाने के लिए एक व्यावहारिक संविधान अस्तित्व में आ चुका था। कहा जाता है कि संविधान राजनीतिक व्यवस्था का खाका मात्र न होकर आम जनता की आस्थाओं एवं मान्यताओं की अभिव्यक्ति करता है। बिल्कुल इसी तर्ज पर जनता अपने वोटों की अभिव्यक्ति के लिए तैयार हो गई। भारत जैसे नवजात आजाद मुल्क के लिए प्रथम आम चुनाव लोकतंत्र के इतिहास में एक साहसिक प्रयोग था। अप्रैल 1950 में संविधान द्वारा चुनाव कानून पारित किए जाने के बाद से चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची तैयार की गई। 17,30,00,000 मतदाता पंजीकृत हुए। चूंकि राजनीतिक विकास की यात्रा यानी राजनीतिकरण की प्रक्रिया से देश पहली बार दो चार हो रहा था, अतः खास तौर पर अशिक्षा, राजनीतिक अपरिपक्वता को ध्यान में रखते हुए मतदान की पद्धति बहुत सरल रखी गई। मतदान केंद्रों पर अलग अलग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह वाली मतपेटियां रखते हुए व्यवस्था की गई कि मतदाता जिस उम्मीदवार को वोट डालना चाहें उसके चुनाव चिन्ह वाली मतपेटी में अपना मत डाल दें। बता दें, प्रथम आम चुनाव को संपन्न कराने में 4 माह का लंबा समय लगा था। 17,30,00,000 वोटरों के सामने 489 सीटों के लिए 1,864 उम्मीदवारों ने अपने किस्मत आजमाने का फैसला किया था। कुल 75 राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें राष्ट्रीय दलों की संख्या 14 थी। सरकार ने प्रथम आम चुनाव पर 10 करोड़ से भी अधिक खर्च किए। चुनाव संचालन के लिए 5,60,000 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। यदि मतदान प्रतिशत की बात करें तो मतदान प्रतिशत 61.16 रहा, जो पहले चुनाव दृष्टिकोण से काफी अच्छा था। भारतीय लोकतंत्र अपने प्रथम चुनावी यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कर चुका था। प्रथम आम चुनाव के परिणाम स्वरूप कांग्रेस को अखिल भारतीय स्तर पर विराट बहुमत हासिल हुआ। लोकसभा के 489 सीटों में से 364 पर कांग्रेस ने अपना विजय पताका लहराया। संसदीय व्यवस्था के तहत जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली सरकार ने अपना आकार ग्रहण कर लिया। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।